देश के 75वें आजादी अमृत महोत्सव के तहत हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल के नेतृत्व में रविवार को तारामंडल स्थित मैरिज हॉल में वरिष्ठ नागरिक आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीवन के 75 बसंत देख चुके लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जिसके संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का मकसद एक भौगोलिक आजादी है। उन्होंने कहा कि देश को 1947 में आजादी मिली थी, 1947 की आजादी के बाद देश 75 वर्ष में प्रवेश किया है, जिसके तहत 75 बसंत देख चुके वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया है, क्योंकि देश की आजादी के ये लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित श्री प्रोफेसर राम अचल सिंह जी से नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश थे, लेकिन धीरे धीरे करते गए। सन 1378 में ईरान भारत से अलग हुआ, सन 1876 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ, और आज कैसा राष्ट्र बन गया आप सब लोगों को मालूम है। 1902 में भारत से नेपाल अलग हुआ, 1906 में भारत से भूटान अलग हुआ, और 1914 में तिब्बत भारत से अलग हुआ, 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ, 1948 में श्रीलंका भारत से अलग हुआ, और 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना। सन 1948 में पाकिस्तान ने भारत की 48,000 वर्ग किलोमीटर भूमि कब्जा कर लिया, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। सन 1962 में चीन ने भारत की 78,000 वर्ग किलोमीटर भूमि कब्जा कर ली, और सन 1965 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ से कुछ भूमि कब्जा कर लिया। सन 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश बन गया। अब भी भारत का जो चिकन नेक है, चिकन नेक से जो हमारे पूर्वांचल के राज्य जुड़े हुए हैं, वहाँ की क्या स्थिति है जो वहाँ पे गया है देखा है वही बता सकता है। कश्मीर की क्या स्थिति है हम सब लोगों को मालूम है। प्रश्न उठता है ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि जब हमारा समाज व राष्ट्र से जो लगाव है, जुड़ाव है, आत्मीय संबंध है, वो जब कम होता है तो एक एक करते चल जाते हैं। हम सब लोग प्रबुद्ध जन के लोग हैं, सोचने विचारने वाले लोग हैं, कुछ न कुछ चिंतन मनन करते हैं। जितने भी लोग हैं, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे अधिक पढ़ा लिखा हो, चाहे ऊंचे पद पर हो, चाहे नीचे के पद पर हो, किसी पर भी हो, हर व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता है। अपने आशीर्वचनों से प्रोत्साहित करने के लिए मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम अचल सिंह जी कुलपति अपर विश्वविद्यालय का आज़ादी का अमृत महोत्सव, चूँकि हमें एक भौगोलिक आज़ादी भारतवर्ष में 1947 में मिली थी, और 1947 से 75वें वर्ष में अभी हम लोग प्रवेश किए हैं, और इस 75 वर्षों में विभिन्न झंझावातों को झेलते हुए और विभिन्न अपने अनुभवों को साझा करने वाले हमारे जो उस समय के लोग जो उस समय आज़ादी के समय इस धरा पर आए और हमारे बीच में कोविड की झंझावातों को झेलते हुए हमारे बीच में हैं, उनकी विचारों को हम लोग साझा करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज का एक कार्यक्रम था। चूँकि एक भौगोलिक आज़ादी हमें 47 मिली, लेकिन सांस्कृतिक आज़ादी इलाहाबाद से प्रयागराज के रूप में और फैजाबाद से
अयोध्या जी के रूप में हम लोगों को मिल रही है, तो इस आज़ादी का सफ़र भगवान श्री राम की उस 500 वर्षों की बाद आज़ादी मिली है, इन्हीं चीज़ों को और यहाँ के जो 75 वर्ष के बुज़ुर्ग हैं वो अपने भीतर कैसा अनुभव कर रहे हैं, ये उन्हीं का कार्यक्रम था ये।